दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 घर पहुंच जाएगा एक बाद में बात करता हूं ना सर्किल पे चल रही हो बैठो दूरी दूरी एक हाथ का फासला होना चाहिए अपने अंदर ये अजमेर रेल संग्रहालय के अंदर जो है 200-250 जो बेसहारा और निर्धन लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है जो कि लॉकडाउन 22 तारीख से हो रहा है जब से व्यवस्था कर रहे हो जी हाँ शुरू से ही व्यवस्था हो रही है और इसके अंदर जो है राय जानमदी उत्तर में और दक्षिण के अंदर विजय यादव जी संभाल रहे कमान 11 जगह कैंप लगाए गए हैं और अजमेर के हर क्षेत्र में हर ग्रामीण इलाके में खाना पहुंचाया जा रहा है सर कितने टाइम खाना दे रहे हैं आप ये हम अभी सुबह की व्यवस्था कर रहे हैं और जैसे ही फ़ोन आता है कहीं भी कोई भूखा व्यक्ति है तो उसके घर पर खाना पहुँचाया जा रहा है शाम की व्यवस्था खाने की नहीं होती है नहीं शाम की व्यवस्था होती है कोई ना कोई करवा ही रहा है मतलब हो ही रहा है उसको कहाँ से आरोप क्या नाम है ये हम मैं जो हूँ यूनाइटेड अजमेर से हूँ उसके अंदर अक्षय पात्र है चॉयल इंडस्ट्रीज है MTTB है सबका सहयोग मिल रहा है सारी संस्थाओं का आपका नाम प्रीतम यूनाइटेड अजमेर से स्वयंसेवक करीब ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जो खानाबदोश है जो सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी स्टेट के यहाँ पर है इनको एक ही जगह इकट्ठा रखा गया है डिस्टेंस मेंटेन सबसे ज़्यादा इनमें ज़रूरी रखा जा रहा है इनको सैनिटाइज़र और साबुन वगैरह दी गई है दूसरा इनको सुबह खाना शाम को खाना समय समय पर अक्षय पात्र द्वारा और एक जादूगर में गुरुद्वारा है वहाँ से इनको वितरण किया जा रहा है कल रात्रि का खाना इनको दरगाह की तरफ से आया था दरगाह कमेटी की तरफ से तो वहाँ से इनको खाना वितरण किया गया सभी लोग अपना अपना खाना खा करके और दूरी डिस्टेंस बनाए हुए हैं और लगभग कितने जनों को खाना वितरण किया गया सवा दो सौ के बीच में है ये जिनको इसमें ज़्यादातर जो खानाबदोश है वो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और दरगाह परिसर के हैं तो उस वजह से इनको यहाँ पर रखा गया है मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नमस्कार मैं हूँ अमिताभ बच्चन देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें अपनी आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए